लक्ष्मण जी ने विचार किया, लखन लखेउ रघुवंश मन ताकियो हरि मोचन, पुलक दास बोले वचन चरण चाहि प्रभु। ये दशरथ स्वामी देख लो, तुम इस पृथ्वी का भार संभाले रखना क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। जब वह धनुष का खंडन करे तो यह पृथ्वी डगमगाना जाए, इसलिए तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का भार संभाले रखना और मैं भी इसमें तुम्हारी सहायता करूं। राम चहे संकट धन तोड़ा, हो सजग सुन आयस मोरा। लक्ष्मण जी ने यहाँ पृथ्वी के लिए संकेत कर दिया, पृथ्वी कहीं ऐसा नहीं करना राम जी धनुष उठाए और तुम हिल जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक रहस्य छुपा हुआ है। जिस समय महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो वीर जिस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में जानकी का विवाह कर दूंगा, लेकिन उसी समय मन में विचार आया, इस पृथ्वी पर तो रावण बाड़ा सुन जैसे बड़े बड़े योद्धा हैं, अरे यदि किसी राक्षस ने धनुष का खंडन कर दिया तो मेरी बेटी सीता राक्षस के यहाँ चली जाएगी, वह जीवन भर कष्ट पाएगी। उसी समय क्या हुआ, पृथ्वी माँ प्रकट हो गई और लक्ष्मी माँ ने प्रकट होकर के महाराज जनक से कहा, जनक तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, ये सीता जो है तुम्हारी पुत्री नहीं, अभी तो मेरी पुत्री है। जब तक मुझे कोई संकेत नहीं करेगा कि धनुष को तोड़ने योग आ गए हैं, तब तक इस धनुष को मैं छोड़ूंगी नहीं। और सज्जनों ऐसा ही हुआ, देश देशांतरों से राजेंद्रगढ़ आए, सभी ने अपना बल लगाया, तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, किसी से हिला भी नहीं। इसीलिए यहाँ लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को संकेत कर दिया है, पृथ्वी माँ अब धनुष को तोड़ने वाले आ गए हैं, इस धनुष को अब छोड़ दो। और यहाँ राम जी जा रहे हैं आगे की ओर, गुरु की प्रणाम और यहाँ चतुर सखी बैठे हैं। अभी आप लोग लक्ष्मण परशुराम संवाद के आप सभी दर्शन करेंगे, यदि आप लोग बैठे रहेंगे तो अभी बहुत सुंदर सी कहानी बाकी है, और यदि आप लोग उठ के जाएंगे तो हम भी यही विश्राम करते हैं। आप लोग बिल्कुल और जयमाल का प्रसंग मिथिला पद्धति से आप लोग श्रवण करेंगे, बड़े शांति से बैठ करके बड़ा आनंद आएगा जयमाल प्रसंग में। देखिए राम जी कैसे माला पहनते हैं और सीता जी कैसे माला पहनाती हैं। आज सखी आई है और सखी आकर के राम जी से कह रही है, क्या कह रही है, लीला जी चलिए, लीला जी आप बन जाइए, जो हमारी जानकी है छोटी है। अभी नहीं बजाए भैया, थोड़ी देर आप लोग रुक जाए, हम अरे छोटी चाहियो जनक रघुवीर, छोटी चाहियो जनक पहले जयमाला हो जाएगा, उसके बाद में बजेगा, हम कहीं भी बजा देना।
अभी माला कहाँ पड़ी है आप बजाने लग गए, राखी हुआ है। सुनिए।